we are discussed regarding the occipital bone. Okay, so in previous classes, frontal, parietal, temporal bone we are already discussed. So today in occipital bone, this is the occipital bone. Okay, this part in the skull is the occipital bone. Okay, मैं जो मार्क कर रहा हूँ ये occipital bone का पार्ट है. ठीक है, ये पार्ट कहाँ होता है? स्कल का पीछे का पार्ट है. दिस इज द बोन ऑफ द पार्ट ऑफ द ओके बैक ऑफ द स्कल एंड बेस ऑफ द स्कल. स्कल का बेस में भी रहते हैं, नीचे भी रहते हैं और बैक भी पीछे भी रहते हैं. ओके, ये बोन ओके ये दीज आर पैराइटल बोन. दो पैराइटल बोन है. ओके, ये टेम्पोरल बोन है. दीज आर द टेम्पोरल बोन. ओके, मीन्स ये ऑक्सीपिटल बोन ये पैराइटल बोन के साथ भी इधर बीच में सूचर करते हैं. ठीक है, इधर टेम्पोरल बोन के साथ भी ये क्या करते हैं, टेम्पोरल बोन के साथ भी आर्टिकुलेट है. सो दिस ऑक्सीपिटल बोन फॉर्म्स इमूवेबल जॉइंट्स विद द पैराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन. ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन. ऑक्सीपिटल बोन इज द बैक एंड बेस ऑफ द स्कल एंड इट गिव्स articulates with the parietal and temporal bone. Okay, then the occipital bone ka andar, okay, in the occipital bone, inside the occipital bone, okay, cerebrum and cerebellar part are occupied. Occipital bone ka andar cerebrum and cerebellar part aata hai, bone ka brain ka part, ye part hota hai. Is tarike se dikhta hai occipital bone. So this occipital bone ka ये सेंटर एक होल रहता है. देर इज ए इन दी सेंटर देर इज ए होल ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन. दिस इज कॉल्ड एज फोरमेन मैग्नम. ओके, स्पाइनल कार्ड हमने जो बॉडी में ह्यूमन बॉडी में स्पाइनल कार्ड होता है, स्पाइनल कार्ड पास होता है उसके थ्रू. ओके, और स्पाइनल कार्ड के सराउंडिंग में वर्टिब्रल कॉलम होता है. सो वर्टिब्रल कॉलम को अटैच करते हैं कॉन्डिलाइट्स. ओके, इन दी सेंटर ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन, ओके, देर इज ए होल. दिस इज कॉल्ड एज फोरमेन मैग्नम. This is called as foramen magnum. And on either side of the foramen magnum, on both side of the foramen magnum, these are the articulating condylates. Articulate means attachment देते हैं. Okay, किसके साथ attachment देते हैं? Vertebral column. Okay, means इसके through spinal cord pass हो रहा है, मतलब spinal cord का surrounding vertebral column होता है. वो vertebral column को क्या करते हैं? Vertebral column को attach करता है. First vertebral column, that is the atlas. उसको हमने क्या बोलते हैं? फर्स्ट वर्टिब्रल कॉलम का नाम है अटलास. ओके, सो दीज आर द आर्टिकुलेटिंग कॉन्डिलेट्स. दिस इज रिगार्डिंग द ऑक्सीपिटल बोन. ऑक्सीपिटल बोन इज द बेस एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्कल एंड दिस गिव्स अटैचमेंट टू द पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन. एंड इनसाइड द ऑक्सीपिटल बोन द सेरेब्रम एंड सेरेब्रलर पार्ट आर ऑक्युपाइड. एंड बिसाइड द इन द सेंटर ऑफ द बोन, इन द सेंटर ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन देर इज ए होल. दिस होल इज कॉल्ड एज फोरमेन मैग्नम. ये होल को हमने फोरमेन मैग्नम बोलते हैं. ओके, बिसाइड द फोरमेन मैग्नम दीज आर द टू आर्टिकुलेटिंग कॉन्डिलाइट्स. आर्टिकुलेटिंग कॉन्डिलाइट्स होता है उसमें कि दिस गिव्स अटैचमेंट टू द फर्स्ट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, दैट इज द अटलास. ओके, वर्टिब्रल कॉलम का पहला बोन के साथ ये अटैच देता है, उसको हमने क्या बोलते हैं? अटलास करके नाम से बुलाते हैं. ओके, अटलास इज द फर्स्ट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम द फर्स्ट बोन इज अटलास. ओके, फोरमेन मैग्नम, व्हाट इज फोरमेन मैग्नम? फोरमेन मैग्नम इज द होल इन द ऑक्सीपिटल बोन इन विच द स्पाइनल कॉर्ड इज फास्ट. स्पाइनल कॉर्ड पास होता है. ओके, इन द सेंटर ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन, ओके, द सेरेब्रम एंड सेरेब्रलर पार्ट आर ऑक्युपाइड. ओके, दिस ऑक्सीपिटल बोन इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्कल. स्कल का पोस्टीरियर पार्ट है. इट गिव्स इमूवेबल आर्टिकुलेट्स विथ दी इट आर्टिकुलेट्स विथ दी पैराइटल बोन एंड टेम्पोरल बोन एंड इट फॉर्म्स दी स्विचर्स फॉर्मेशन होता है. ओके, सजाइटल स्विचर, कोरोनल स्विचर, स्क्यूमस स्विचर, इतना सारा स्विचर्स आता है. सो ये स्विचर्स बनाते हैं, अलग अलग टाइप्स का स्विचर्स बनाते हैं. ओके, दिस इज द ऑक्सीपिटल बोन. ओके, नेक्स्ट बोन हम बात करने वाला है स्पिनेडल बोन. स्पिनेडल बोन के बारे में, ओके, स्पिनेडल बोन, दिस बोन ऑक्यूपाइज द मिडल पोर्शन ऑफ द बेस ऑफ द स्कल. ओके, स्कल का मिडल पोर्शन होता है. देख लीजिए, ये जो रेड कलर का दिखता है, दिस इज द ओके दिस पार्ट इज कॉल्ड एज द स्पिनेडल बोन. ओके, दिस इज द स्पिनेडल बोन. ओके, दिस पार्ट इज द दिस बोन ऑक्यूपाइज द मिडल पोर्शन ऑफ द
base of the skull and it articulates with the occipital, temporal, parietal and front bones. Okay, it articulates with the, this is the spinodal bone. Okay, ये spinodal bone है, this is the spinodal bone. Okay, articulates करता है किसके साथ, ये frontal bone, articulates with the frontal bone, parietal bone, this is the temporal bone. Okay, temporal bone इस तरीके से bone के साथ ये articulates करता है. Spinodal bone is the, okay, this is occupies the middle portion. मिडल पोर्शन है, मिडल पोर्शन ऑफ द बेस ऑफ द स्कल, देन स्पिनाडल बोन आर्टिकुलेट्स विद द पैराइटल बोन, फ्रंटल बोन, टेम्परल बोन. ओके, ऑन द सुपीरियर सरफेस ऑफ द मिडल ऑफ द बोन. ओके, ऑन द सुपीरियर सरफेस, ओके, दिस इज द स्पिनाडल बोन, ये बोन का सुपीरियर सरफेस. ऑन द सुपीरियर सरफेस ऑफ द, ओके, मिडल ऑफ द स्पिनाडल बोन देर इज ए, ओके, लिटल शेप्ड डिप्रेशन, थोड़ा इधर डिप्रेशन होता है, मीन्स डिप्रेशन मतलब थोड़ा एक पार्ट अलग से दिखता है. ओके, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोफिशियल फोसा. ओके, एंडोक्राइन सिस्टम में मैं बोला था पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ रहता है, हाइपोफिशियल फोसा ऑफ द स्पिनाइडल बोन. ओके, दिस पार्ट इज द हाइपोफिशियल फोसा ऑफ द स्पिनाइडल बोन. ओके, दिस पार्ट, ओके, इन द मिडल ऑफ द स्पिनाइडल बोन देर इज ए लिटल शैडल शेप्ड स्ट्रक्चर. शैडल मतलब देर इज ए डिप्रेस्ड पार्ट होता है, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोफिशियल फोसा, इन विच द पिट्यूटरी ग्लैंड इज रेस्ट. पिट्यूटरी ग्लैंड इसके अंदर रेस्ट करता है, मतलब इसका अंदर रहता है. ओके, ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है, दिस होल ग्रीन पार्ट इज कॉल्ड एज द स्पिनाइडल बोन. ओके, दिस इज ऑल्सो स्पिनाइडल बोन, दिस इज द स्पिनाइडल बोन. ओके, वाट एवर आई एम मार्किंग हियर, दिस इज द स्पिनाइडल बोन. दिस स्पिनाइडल बोन आर्टिकुलेट्स विथ द फ्रंटल, स्पिनाइडल बोन आर्टिकुलेट्स विथ द पैराइटल, स्पिनाइडल बोन आर्टिकुलेट्स विथ द टेम्पोरल बोन. ओके, एंड इधर नीचे से थोड़ा बहुत ऑक्सीपिटल बोन को भी अटैच करते हैं इस तरीके से. ओके, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल बोन के साथ अटैच करते हैं. स्पिनाइडल बोन इज दी, ओके, मिडल पोर्शन ऑफ दी बेस ऑफ दी स्कल. ओके, दिस इज द ऑक्सीपिटल बोन, हमने लास्ट अभी प्रीवियस क्लास में देखा, दिस इज द फोरामेन मैग्नम, इन विच दिस इज द फोरामेन मैग्नम इन विच द स्पाइनल कॉर्ड इज पास्ड थ्रू इट. ओके, दीज आर द आर्टिकुलेटिंग कॉन्डिलेट्स, दीज आर टू आर्टिकुलेटिंग कॉन्डिलेट्स होता है. दीज आर्टिकुलेटिंग कॉन्डिलेट्स आर्टिकुलेट्स विद द फर्स्ट बोन ऑफ द वर्टेब्रल कॉलम. वर्टेब्रल कॉलम को फर्स्ट बोन के साथ आर्टिकुलेट्स करता है. ओके, स्पिनाइडल बोन, दिस इज द स्पिनाइडल बोन, दिस ग्रीन पार्ट इज द स्पिनाइडल बोन. ओके, इन एंटीरियर व्यू द स्पिनाइडल बोन अपीयर्स लाइक दिस. ओके, मीन्स दिस इज द 3D इमेज, द स्पिनाइडल बोन लाइक दिस इन बाय द एंटीरियर व्यू. ओके, this is the middle portion of the base of the skull. Okay, this bone is situated in the middle portion of the base of the skull. Next, spinodal bone, here is also, these are the spinodal bones part. Okay, inside the skull, the spinodal bone appears like this. Okay, the shape of the spinodal bone like butterfly shape. Okay, butterfly shape hai. Okay, here this is also just like a same, and here is also सेम स्ट्रक्चर. सो स्पिनाइडल बोन स्ट्रक्चर दिस टाइप का स्ट्रक्चर होता है. ओके, एंड एंटीरियर व्यू 3D इमेजेस, इन 3D इमेजेस एंटीरियर व्यू द स्पिनाइडल बोन अपीयर्स लाइक दिस. ओके, दिस येलो कलर पार्ट इज द स्पिनाइडल बोन. बाय द लैटरल व्यू, लैटरल से देखा तो इस तरीके से देखता है. ओके, इन द 3D इमेजेस, सो टोटली स्पिनाइडल बोन. व्हाट इज स्पिनाइडल बोन? स्पिनाइडल बोन इज द बेस ऑफ द स्कल, इन द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द स्कल. Then spinodal bone articulates with the frontal, parietal, temporal, occipital bone. And in the center of the spinodal bone, there is a little depression. This is called as hypophyseal fossa, in which the pituitary gland is rest. Pituitary gland hota hai usme. Okay. Then the body of the bone containing some. Okay. This is the whole body part of the spinodal bone. Okay. Here. एयर फिल्ड कैविटीज होता है. ओके, दीज आर ओपन इन टू द नेसल कैविटी. दिस इज द नॉट इम्पॉर्टेंट, दिस इज द एंटीरियर इम्पॉर्टेंट, दिस इज द लैटरल इम्पॉर्टेंट. ओके, स्पिनाइडल बोन पार्ट. ओके, देन दीज आर द पार्ट ऑफ द स्पिनाइडल बोन. द स्पिनाइडल बोन पार्ट्स आर, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द बोन. दिस पार्ट्स अगेन कम्स इन द नर्वस सिस्टम. सो वी विल डिस्कस इन लेटर रिगार्डिंग दिस. सो इन नेक्स्ट बोन, एथमॉइड बोन. ओके, फ्रंटल बोन हो गया, पैराइटल बोन हो गया, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल. सो स्पिनाइडल बोन इज ऑल्सो नाउ द एथमॉइड बोन. ओके, दिस येलो कलर पार्ट इन दिस इमेज इज द एथमॉइड बोन. ओके,
दिस एथमॉइड बोन ऑक्यूपाइज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्कल. स्कल का दिस इज होल इज द स्कल. स्कल का एंटीरियर पार्ट में, स्कल में आगे रहते हैं. ओके, दिस बोन फॉर्म्स द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्कल एंड हियर ये देख लीजिए, दिस बोन फॉर्म्स द ऑर्बिटल कैविटी. ऑर्बिटल कैविटी मीन्स आंख जो होता है वो ऑर्बिटल कैविटी बोलते हैं. वो आंख ऑर्बिटल कैविटी बनाने में बहुत मदद करते हैं ये एथमॉइड बोन. ओके, एथमॉइड बोन कहाँ है? एथमॉइड बोन ऑक्यूपाइज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्कल. ओके, एंटीरियर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्कल, दिस इज द एंटीरियर पार्ट ऑफ द बेस ऑफ द स्कल. दिस बोन फॉर्म्स द ऑर्बिटल कैविटी. ओके, दिस बोन फॉर्म्स ऑर्बिटल कैविटी. ओके, नेक्स्ट द नेसल सेप्टम एंड लैटरल वॉल्स ऑफ द नेसल कैविटी. ओके, दिन मीन्स नेसल सेप्टम एंड लैटरल वॉल ऑफ द नेसल कैविटी. ओके, दिस इज द दीज आर द ऑर्बिटल कैविटी. दीज आर द ऑर्बिटल कैविटी. स्पिनाइडल बोन इसी पे रहते हैं. ओके, दिस इज द स्पिनाइडल बोन. ओके, एंटीरियर पार्ट में रहते हैं. ऑर्बिटल कैविटी बनाने में हेल्प करते हैं. ओके, सेप्टम एंड लैटरल वॉल, ये लैटरल वॉल हो गया, इसी के थ्रू स्पिनाइडल एथमॉइड बोन से लैटरल वॉल भी फॉर्मेशन होता है. ओके, एंड ईच साइड टू प्रोजेक्शन इन टू द नेसल कैविटी. ओके, इन द स्पिनाइडल बोन, दिस इज द इनर स्ट्रक्चर ऑफ द स्पिनाइडल बोन. And each side, okay, here is the spinal bone, this is the spinal bone. Okay, here either क्या होता है, on each side there are two projection into the nasal cavity. दो projection होते हैं, this is one projection and this is also one projection. Okay, this is one projection means part, this is also one projection. Okay, these part are the superior conchae and medial conchae. Superior conchae and medial conchae बोलते हैं उसको. Okay, it is a very delicate bone containing many ear sinuses. मीन्स ये वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर है. मीन्स थोड़ा भी फ्रैक्चर हो गया तो सबसे पहला टूट जाता है ये एथमॉइड बोन. ओके, इसमें एथमॉइड साइनस रहता है, ईयर फील्ड कैविटीज रहते हैं उसको अंदर. ये ईयर फील्ड कैविटीज नोज में, ओके, नोज में जाके एंटर होता है, नोज में जाके ओपन होते हैं. ओके, एथमॉइड बोन में नोज में जाके हियर इज अ नेसल पार्ट. ओके, एथमॉइड साइनसिस आता है, ये एथमॉइड साइनसिस आता है इसके अंदर. ओके, एथमॉइड साइनसिस क्या करते हैं, एथमॉइड साइनसिस कवर्ड विथ दी म्यूकस मेम्ब्रेन. म्यूकस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है. ओके, नेक्स्ट दिस एथमॉइड बोन कंसिस्टिंग ऑफ, ओके, दीज आर द ऑल्फैक्टरी नर्व. ऑल्फैक्टरी नर्व होता है इसके अंदर. मीन्स ऑल्फैक्टरी नर्व हेल्प्स इन डिटेक्शन ऑफ स्मेल. स्मेल डिटेक्ट करने के लिए वो ऑल्फैक्टरी नर्व इंपॉर्टेंट होता है. ओके, इन नेक्स्ट इमेज दीज आर द ऑल्फैक्टरी नर्व्स. ओके, दीज आर द ऑल्फैक्टरी नर्व्स. एथमॉइड बोन के अंदर ही होता है ये, सो स्मेल डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है. ये ब्रेन से आता है. ऑल्फैक्टरी नर्व्स कहाँ से आता है? ब्रेन से आता है. स्मेल डिटेक्शन करने के लिए नोज़ का काम क्या है? स्मेल डिटेक्ट करता है. क्यों? क्योंकि ऑल्फैक्टरी नर्व्स रहते हैं. ओके, दीज आर द ऑल्फैक्टरी नर्व्स. उसको हमने ऑल्फैक्टरी नर्व बोलते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई, सो ऑल्फैक्टरी नर्व्स आर प्रेजेंट इन द एथमॉइड बोन इन द स्कल बोन्स स्कल. ओके, स्कल का बोन्स में एथमॉइड बोन का अंदर ऑल्फैक्टरी नर्व्स रहते हैं. ओके, दिस इज रिगार्डिंग द एथमॉइड बोन. एथमॉइड बोन का ये उसका रिलेटेड स्ट्रक्चर है. सो इन टुडेज क्लास वी आर टोटली डिस्कस रिगार्डिंग द, ओके, ऑक्सीपिटल बोन एंड स्पिनाइडल बोन, एथमॉइड बोन. ओके, ऑक्सीपिटल बोन, सो व्हाट इज ऑक्सीपिटल बोन? दिस इज ऑक्सीपिटल बोन, दिस इज द बेस एंड पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द स्कल. ओके, ऑक्सीपिटल बोन इट गिव्स आर्टिकुलेट्स विथ दी पैराइटल बोन एंड टेम्परल बोन. ओके, इन दी सेंटर ऑफ द ऑक्सीपिटल बोन द सेरेब्रम एंड सेरेब्रुलर पार्ट आर ऑक्यूपाइड. सेरेब्रम एंड सेरेब्रुलर पार्ट आर द पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. ब्रेन का पार्ट्स. ओके, इन दी ऑक्सीपिटल बोन देर इज ए सेंटर होल, दिस इज कॉल्ड एज फोरामेन मैग्नम. दिस इज कॉल्ड एज फोरामेन मैग्नम, थ्रू विच स्पाइनल कॉर्ड इज पास्ड. स्पाइनल कॉर्ड पास होता है उसके थ्रू. ओके, एंड beside the foramen magnum on the and the both the side and the lateral side of the foramen magnum there are two condyloids. These are called as articulating condyli. Okay, these are called as articulating condyli. It gives attachment with the, these both condyli gives attachment with the, okay, first bone of the vertebral column. Vertebral column ka first bone ke sath attachment hota hai. Okay, next is spinoidal bone. Spinoidal bone is the बेस ऑफ दी सेंटर ऑफ दी स्कल. स्कल का बेस का सेंटर का पार्ट है स्पिनाइडल बोन. ओके, देन स्पिनाइडल बोन आर्टिकुलेट्स विथ दी, ओके, टेम्परल बोन.
ऑक्सीपिटल बोन हियर द इन दी पोस्टीरियर पार्ट ऑक्सीपिटल बोन के साथ आर्टिकुलेट्स है, पैराइटल बोन के साथ आर्टिकुलेट्स होता है, टेम्परल बोन के साथ आर्टिकुलेट्स होता है. दिस इज द टेम्परल पार्ट, दिस इज द ऑक्सीपिटल पार्ट, ओके, दिस इज द पैराइटल पार्ट. ओके, हियर नेम्स आर मेंशनड हियर. दिस इज द पैराइटल पार्ट, दिस आर द स्पिनाइडल बोन. ओके, नेक्स्ट ऑन दी सुपीरियर पार्ट देर इज ए सैडल शेप्ड स्ट्रक्चर, दिस इज कॉल्ड एज हाइपोफिशियल फोसा. उसको हमने क्या बोलते हैं, हाइपोफिशियल फोसा बोलते हैं. ओके, दिस इज द स्पिनाइडल बोन, स्पिनाइडल बोन का आर्टिकुलेटिंग है. ओके, ये इधर हाइपोफिशियल फोसा में पिट्यूटरी ग्लैंड रेस्ट होता है. ओके, नेक्स्ट दिस ऑल इमेजेस आर रिलेटेड टू द स्पिनाइडल बोन ओनली. ओके, दिस इज द स्पिनाइडल बोन इन 3D इमेजेस, एंटीरियर व्यू, दिस इज द लैटरल व्यू. ओके, नेक्स्ट एथमॉइड बोन. एथमॉइड बोन कहाँ होता है, दिस इज द इनर सर्फेस ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्कल. दिस इज द इनर सर्फेस ऑफ द एंटीरियर पार्ट ऑफ द स्कल, स्पिनाइडल बोन. दिस बोन फॉर्म्स द पार्ट ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी. ओके, ऑर्बिटल कैविटी का पार्ट भी करते हैं. ओके, एंड नेसल सेप्टम एंड लैटरल वॉल ऑफ द नोज, नेसल सेप्टम एंड लैटरल वॉल ऑफ द नोज का पार्ट भी होता है. ओके, स्पिनाइडल बोन का अंदर एयर फिल्ड कैविटीज होता है, उसको हमने एथमॉइड बोन का अंदर एयर फिल्ड कैविटीज होता है, एथमॉइड साइनस बोलते हैं. ओके, दीज आर टू पार्ट्स. देर आर पार्ट इन दी एथमॉइड बोन आर सुपीरियर कॉनके एंड मीडियल कॉनके. सुपीरियर कॉनके एंड मीडियल कॉनके होता है. एंड इन एथमॉइड बोन द ऑल्फैक्टरी नर्व्स आर सप्लाइड बाय द ब्रेन. दीज आर हेल्प्स फॉर द डिटेक्शन ऑफ स्मेल. स्मेल डिटेक्ट करने में बहुत मदद करता है. ओके, दिस इज रिगार्डिंग द एथमॉइड बोन. ओके, दिस कंप्लीट्स द ऑल द क्रेनियल बोन्स. ओके, वन फ्रंटल बोन, टू पैराइटल बोन. ओके, वन ऑक्सीपिटल बोन, टू टेम्परल बोन. ओके, वन एथमॉइड बोन, वन स्पिनाइडल बोन. ओके, दिस एट बोन्स आर कॉल्ड एज बोन्स ऑफ द स्कल. स्कल का बोन्स है. सो हमने अभी बोन स्कल टोटल कितना था, आठ बोन था. आठों बोन के बारे में हम स्टडी कर दिया, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्परल, ऑक्सीपिटल, स्पिनाइडल एंड एथमॉइड बोन. ओके, नेक्स्ट वी विल मूव टुवर्ड्स द बोन्स ऑफ द फेस, फेशियल बोन्स, बोन्स ऑफ द स्कल. ओके, फेशियल बोन्स का बारे में हम स्टडी करना है, फेशियल बोन्स. सो फेशियल बोन्स, फेस, फेस का पार्ट ए फेस है. फेस मीन्स ये पार्ट है, फ्रंटल बोन है, फोरहेड. ओके, दिस इज अ फ्रंटल बोन विच कम्स अंडर द क्रेनियल बोन्स. क्रेनियल बोन्स का अंदर आ गए. अभी हमने स्टडी करने वाला है फेशियल बोन्स. ये फेस है, फेशियल का अलग अलग फेस में अलग अलग टाइप्स का बोन्स आता है. टोटल फेस में कितना बोन्स है, 14 बोन्स है, 14 बोन्स है. ओके, याद रख दीजिए, फेशियल बोन्स 14 एंड क्रेनियल बोन्स 8, वन हायर्ड बोन. ओके, 3 ऑसिकल्स. ओके, टोटल अपेंडिकुलर स्केल्टन एंड एक्जियल स्केल्टन करके डिवाइड किया था हमने बोन्स का पार्ट को, हम ह्यूमन बॉडी का अंदर. सो ये 14 बोन्स कौन सा है, व्हाट आर दी बोन्स ऑफ फेस, फेशियल बोन्स का नाम क्या क्या है. सो सी हियर, एक्चुअली 13 बोन्स से करता है. कभी कभी कोई बुक में 13 बोन्स दिए है, कोई बुक में 14 बोन्स दिए है, क्योंकि ये मैगजिला बोन है ना, एक्चुअली एक ही है, दो में डिवाइड किया है. ओके, फेशियल बोन्स का अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल इन फेशियल बोन्स द नेम ऑफ द फेशियल बोन्स जाइगोमेटिक बोन. हियर द जाइगोमेटिक बोन्स आर, देर आर टू जाइगोमेटिक बोन. दिस पार्ट इज द जाइगोमेटिक पार्ट, दिस इज द जाइगोमेटिक पार्ट. ओके, ग्रीन कलर पार्ट इज द जाइगोमेटिक पार्ट. देर आर टू जाइगोमेटिक बोन, दिस इज द वन इज लेफ्ट साइड, अनदर वन इज राइट साइड, टू जाइगोमेटिक बोन. ओके, नेक्स्ट वन मैगजिला, एक्चुअली वन मैगजिला और टू मैगजिला भी बोल सकते. दीज आर टू मैगजिला, दीज आर यूनाइटेड टुगेदर, दोनों फ्यूज होता है. सो एक ही मैगजिला बोल सकते हैं, नहीं तो दो मैगजिला. एक ही बोला तो 13 फेशियल बोन्स होता है, दो पकड़ा तो 14 होता है. सो टोटली 14 फेशियल बोन्स. ओके, कौन सा, टू जाइगोमेटिक बोन. दिस पार्ट इज द जाइगोमेटिक पार्ट, देख लीजिए अच्छे से. जाइगोमेटिक पार्ट काम कौन सा है, दिस इज द जाइगोमेटिक बोन. ओके, देन दीज आर द मैगजिला बोन्स, टू मैगजिला बोन्स, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड मैगजिलरी बोन्स, वन नेसल बोन्स, एक नेसल बोन्स है. ओके, हियर इज द नेसल बोन्स, नोज का जो फॉर्मेशन करते हैं नेसल बोन्स, दिस इज द नेसल बोन्स. ओके, टोटल दो नेसल बोन्स होते हैं, इस साइड के एक नेसल बोन्स है, इस साइड के एक नेसल बोन्स है. ओके, टू नेसल बोन्स,
one lacrimal bones. Okay, so lacrimal bones, these are the lacrimal bones. Lacrimal gland होता है nose का upper part का end में lacrimal bones होता है. So these are lacrimal bones. Okay, next omer, एक ही omer होता है nose का अंदर होता है omer bones. This is the omer part of the bone. Omer bones. Okay, next two palatine tonsils. Okay, two palatine tonsils. These are the palatine nose का अंदर ही होता है ये भी palatine palatine bone. Okay, palatine bones. Next two inferior conchae. Here are the inferior conchae. इधर दिया है nasal bones है lacrimal bones है nasal bones ये है lacrimal bones ये है कि lacrimal gland होते हैं zygomatic bone है. Okay, this yellow part is the zygomatic part. Inferior nasal conchae omer bone है. Okay, इस ये डायग्राम पे भी देख सकते हैं आप लोगों ने. ओके, नेक्स्ट वन मैंडिबल. दिस पार्ट इज द मैंडिबल. ओके, रेड कलर पार्ट में जो मार्कर है मैंडिबल नीचे का पार्ट. ऊपर का पार्ट मैगजिला मैंडिबल है. सो हियर पार्ट भी मेंशन किया है ये मैंडिबल मैगजिला उमर नोज का अंदर होता है जैगोमेटिक बोन ये ग्रीन कलर का पार्ट है. ओके, येलो कलर का पार्ट मैगजिला दो एक ही होता है एक्चुअली. सो सेपरेट सेपरेट रहता है दो मैगजिला बोन्स भी बोल सकते हैं. नेसल बोन नोज के अंदर होते हैं नेसल पार्ट लैक्रिमल बोन है लैक्रिमल ग्लैंड के पार्ट में लैक्रिमल बोन्स रहते हैं. ओके, दीज आर द पार्ट्स ऑफ द फेशियल बोन्स मींस दीज आर द बोन्स ऑफ द फेस. ओके, सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट आर द 14 वेन्स बोन्स इन द फेस. फेस में कौन सा 14 बोन्स है. सो आपको ये नाम लिखना फॉर एग्जामिनेशन पर्पज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन 2 मार्क्स और 5 मार्क्स राइट द फेशियल बोन्स. सो फेशियल बोन्स आर टू जैगोमेटिक बोन और चीक बोन भी बोलते हैं उसको. ओके, जैगोमेटिक बोन्स आर आल्सो कॉल्ड एज चीक बोन्स. चीक बोन्स ओके चीक जहाँ हमारे चीक्स है सो चीक चीक बनाते हैं. ओके, दीज आर कॉल्ड एज चीक बोन्स. ओके, जैगोमेटिक बोन टू जैगोमेटिक बोन वन मैगजिला सो वन और टू मैगजिला. ओके, एक्चुअली दो मैगजिला होते हैं दोनों मिलकर एक ही बनाते हैं. बाई बर्थ दो होता है. सो जैसा आदमी बढ़ते जाते हैं एक ही होता है. ओके, वन मैगजिला. ओके, टू नेसल बोन्स. सो हेयर दो नेसल पार्ट होता है एक एक में दो नेसल बोन्स होते हैं लैक्रिमल बोन्स होता है. ओके, वन उमर है उमर बोन्स है दिस इज़ द उमर उमर बोन्स. हेयर इधर इसमें देख लीजिए उमर बोन कहाँ से है दिस इज़ द उमर बोन फ्रॉम द नोज. ओके, टू पैलेटाइन बोन्स these are also very important. palatine bones is a nose में ही होता है. so these are palatine bones. okay, inferior conchae to inferior conchae. the inferior conchae means nose का opening जो है opening का आगे का जो होता है very smooth bones होता है ये. okay, one mandible के नीचे का part है this is the mandibular part. okay, so these are the name of the facial bones. facial bones का नाम है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन पर्पज. सो हियर इज ऑल्सो फेशियल बोन्स का नेम उमर. ओके, जैगोमेटिक बोन पैलेटाइन बोन नेसल बोन मैगजिला मैंडिबल. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट बोन्स इन द फेसेस. दीज आर दीज शोज द पार्ट्स ऑफ द बोन्स मीन्स डिफरेंट नेम ऑफ द बोन्स. ओके, दिस इज द मैंडिबल है. ओके, इन्फीरियर कॉनके नेसल बोन है लैक्रिमल बोन्स है उमर है जैगोमेटिक बोन इस तरीके से बोन आता है. ओके, हियर आर द वेरी क्लियर इमेज. ओके, मैगजिला बोन मैंडिबल बोन दिस इज द उमर बोन देख लीजिए. इन्फीरियर कॉनके नोज का पहला सबसे पहला आगे जो स्क्रोल होता है वो इन्फीरियर कॉनके लैक्रिमल. ओके, आंख का आइस एंड नोज का बीच में होता है ये इन्फीरियर कॉनके लैक्रिमल बोन्स. ओके, जैगोमेटिक बोन चीक बोन्स दीज आर द चीक बोन्स बॉडी का चीक बोन्स है. ओके, दिस इज द स्पिनाइटल बोन है ये फ्रंटल बोन है ये पैराइटल बोन है पीछे का नेसल बोन है जो दोनों पार्ट दो नेसल बोन्स होता है इस साइड और इस साइड दो नेसल बोन्स होता है. ओके, दिस इज द हियर इज ऑल्सो पार्ट्स ऑफ द बोन नेसल बोन्स. तो सबसे पहले हम नेसल बोन के बारे में स्टडी करेगा जैगोमेटिक बोन और चीक बोन. जैगोमेटिक बोन क्या है ये दीज आर द जैगोमेटिक बोन दिस इज ऑल्सो जैगोमेटिक बोन. ओके, सो जैगोमेटिक बोन्स फॉर्म्स दी
प्रोमिनेंस ऑफ दी चीक्स, मतलब चीक्स का पार्ट है जिगोमैटिक बोन, फॉर्म्स दी प्रोमिनेंस ऑफ दी चीक्स एंड पार्ट ऑफ दी फ्लोर एंड लैटरल वॉल ऑफ दी ऑर्बिटल कैविटी। ठीक है, ये ऑर्बिटल कैविटी है, ऑर्बिटल कैविटी का फ्लोर, फ्लोर मतलब बेस, बेस जैसे काम करते हैं ये, ऊपर का रूप बोलते हैं, नीचे का फ्लोर बोलते हैं। ओके, सो जाइगोमेटिक बोन क्या है और चीक बोन, जाइगोमेटिक बोन्स आर आल्सो कॉल्ड एज चीक बोन्स। ओके, दिस प्रोमिनेंस ऑफ द चीक्स एंड पार्ट ऑफ द फ्लोर एंड लैटरल वॉल ऑफ द ऑर्बिटल कैविटी, ऑर्बिटल कैविटी का, ये ऑर्बिटल कैविटी का लैटरल पार्ट होता है, इस साइड का लैटरल पार्ट भी है और फ्लोर की तरह भी वर्क करता है। ओके, दिस इज रिगार्डिंग द जाइगोमेटिक बोन। इन फेशियल बोन्स वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास वन बाय वन अबाउट द बोन्स इन फर्दर क्लास। थैंक यू वेरी मच।